अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई बच्चों, तो अपना सब बहुत ख्याल रखना, घर में रहना, और कोरोना के हवाले से प्रिकॉशंस तो आप सबको पता है कि हाथ धोना है और अपने आप को साफ़ रखना है, और आँख नाक और मुंह को बग़ैर ज़रूरत के हाथ नहीं लगाना क्योंकि जर्म्स जा सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और गर्मी है तो डिहाइड्रेट मत हो जाइएगा, पानी पीते रहिएगा और खुश खुश रहिएगा। तो चलिए, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, एक पहले मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, फिर हमारा जो एक स्टोरी के बाद में एक लेसन होगा हम वो लर्न करेंगे। तो पहले चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी का नाम है बिलाल बेग का लाल केक। थोड़ा डिफरेंट है ना? चलिए आज स्टोरी सुनते हैं पहले। तो एक बिलाल बेग था जिसका नाम था बिलाल, और वो अपनी स्टोरी सुना रहा है कि मैं प्राइमरी स्कूल से घर की तरफ भागा और सीधा अम्मी की गोद में घुस गया। मेरी क्लास में मुझे कोई पसंद नहीं करता था। मैंने सिसकियां लेते हुए कहा, क्या हो गया बेटा, आपने ऐसा क्यों सोचा? अम्मी ने मोहब्बत से मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए पूछा। वक्फे की छुट्टी में एक लड़का ज़ोर से चिल्लाया, बिलाल बेग, बिलाल बेग, इतना बड़ा लाल बेग, क्या मैं लाल बेग हूँ अम्मी? मैंने रोते हुए कहा। बिल्कुल नहीं मेरी जान, अम्मी ने मुझे दिलासा दिया, ये तो बस एक काफिया है। वो मुझ पर हंस रहे थे। मैंने नाक मुंह बनाकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक तरकीब बताती हूँ, तुम भी इस मजाक का हिस्सा बन जाओगे। अम्मी मुस्कुरा कर बोली। वो कैसे अम्मी? वो हैरत में पड़ गया। केक के जरिए। अम्मी की आंखों में एक चमक थी। केक के जरिए? वो हैरान हुआ। हाँ बिलाल बेग, लाल केक हम अभी बनाते हैं और जल्द ही हमारा बावर्ची खाना चॉकलेट, नारियल, मक्खन और बादाम की खुशबू से महक रहा था। और जब केक लाल हो गया तब अम्मी ने इसको जल्दी से निकाल लिया। तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं बिलाल? 23, मैंने जल्दी से बोला। तो फिर हम इसको 28 टुकड़ों में काटेंगे, एक एक हर बच्चे का, एक प्रिंसिपल साहब का और दो हम दोनों के लिए। कल हम तुम्हारे स्कूल जाएंगे और तुम्हारे टीचर से बात करेंगे, और जब वक्फे की छुट्टी होगी तो वो तमाम बच्चों को कतार में खड़ा करके बुलाएंगे और हम उन्हें एक एक केक का टुकड़ा दे देंगे। बिलाल हैरत में पड़ गया कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। फिर अगला दिन आया और वो स्कूल में गया और सब बच्चों से फिर से चिढ़ाने लगे। और जैसे ही वो उसको चिढ़ाने के लिए लाल बेग बोलने लगे तो उसकी अम्मी फौरन से आ गईं और कहने लगीं, लो बेटा, लाल बेग का लाल केक। तो सब बच्चे बड़े हैरान भी हुए और थोड़े से शर्मिंदा भी हुए कि देखो ज़रा, हमने उसका मजाक उड़ाया लेकिन उसकी अम्मी ने उस मजाक में हमारा हिस्सा बन गई और अपने बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें एक तो ये सबक मिलता है कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और दूसरा सबक ये मिलता है कि अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो आप उस मजाक का हिस्सा बन जाएं, ताकि मजाक करने वाला चिढ़ के मजाक करना छोड़ दे। तो मजाक क्यों क्यों किसी को, अगर बिलाल की अम्मी थी, उन्होंने उसका बहुत साथ दिया, लेकिन कभी ऐसा हो कि कोई बच्चा डर के इस मजाक का को बर्दाश्त ना कर पाए और वो दिल ही दिल में बहुत खौफजदा होने लगे, तो इसका क्या नुकसान होगा? उसकी शख्सियत पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकेगा, वो दोस्त नहीं बना सकेगा, वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर सकेगा। तो बच्चों, सबसे पहली बात कि आपके पेरेंट्स आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, उनको अपनी स्कूल की, अपने बाहर की या जो कोई भी बात ऐसी हो जो आपको बहुत
अलग लग रही हो या जिससे आप बहुत खौफज़दा हो रहे हो या जिससे आप डर रहे हो, वो सबसे पहले जाके अपने पेरेंट्स को बताना ज़रूरी है ताकि आपके पेरेंट्स इस पर एक्शन ले सकें, जैसे कि बिलाल की अम्मी ने लिया। हो सकता है कि वो उस मजाक में हिस्सादार बन जाएं, यानी वो आपको भी कहें कि इसी तरह उनका मजाक उड़ा लो। लेकिन हमें इसको रोकने के लिए सबसे पहले क्या करना है, से नो। अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो आप सबसे पहले उसको नो करें कि ये गलत है, और उस पर फौरन आवाज़ उठाएं। डर के नहीं बैठना आपने। और दूसरी बात ये कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना कि इससे किसी का दिल दुखेगा, और अगर उसका दिल दुखेगा तो अल्लाह मियाँ आपसे बिल्कुल नाराज़ हो जाएंगे। तो हमें अल्लाह मियाँ को नाराज़ तो नहीं करना ना, और ना ही किसी के मजाक का हिस्सा बनना है। तो हमने क्या सबक सीखा कि किसी को किसी अलग नाम से नहीं पुकारना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना। अगर किसी का स्किन कलर आपके स्किन कलर से डिफरेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग दुनिया से आया है। किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को मोटा, किसी को पतला ऐसे कह के नहीं बुलाना, और ना ही किसी के मजाक में हिस्सेदार बनना है। तो इस स्टोरी से हमने ये सबक सीखा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी किसी भी मजाक का हिस्सा नहीं बनेंगे, और अगर कोई आपका मजाक उड़ाना चाहे तो आप उसको फौरन नो कह देंगे। तो बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और खुश खुश रहिएगा, और इस कहानी के सबक को याद भी रखिएगा। और अगर आपने पिछली स्टोरीज़ अभी तक नहीं सुनी तो मेरे पेज पे जाके दोबारा से आप सर्च करें और वो स्टोरीज़ भी सुनें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन स्टोरीज से बहुत अच्छा सबक हासिल कर रहे होंगे। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देते रहिएगा कमेंट्स में। तो डोडो आंटी को खुदा हाफिज़ कहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।